अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है संदीप सामल और हम लोग फिर से जुड़ गए हैं आज एक नए सेशन पे, जहां पर हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं FSSAI के रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि FSSAI का जो रिक्रूटमेंट है 2021 का, मैंने आपको संडे को ही एक सेशन कर दिया था जहां पर मैंने आपको वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में सब कुछ बता दिया था, नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया था जो नोटिफिकेशन आपके लिए आया हुआ है। यहां पे बहुत सारे वैकेंसीज भी हैं, बहुत सारे लोगों के लिए है, ओके, नॉट ओनली एक पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं हो रही है, यहां पे बहुत सारे लोगों के लिए है, चाहे आप जनरल ग्रेजुएट हैं, जनरल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर से हैं, हॉर्टिकल्चर से हैं, फिशरी से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, इंजीनियरिंग से हैं, ठीक है, तो सबके लिए यहां पर कुछ ना कुछ है, ओके। सो सेशन स्टार्ट करेंगे। आप जैसे आप लोगों का डिमांड था, आपको एलिजिबिलिटी डिटेल्स चाहिए, ओके, एक प्रॉपर एलिजिबिलिटी डिटेल्स की क्या क्या है एक एक करके आप देख सको, एंड जो दूसरा चीज है जो आपको चाहिए था दैट इज सिलेबस, ओके। सो सेशन स्टार्ट होने से पहले बता देता हूं आज का सेशन है यहां पे एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में, और जो शाम का सेशन होगा 5 PM पे जुड़ना ना भूलिएगा, 5 PM पे हम लोग हमारा यहां पर जो सेशन होने वाला है FSSAI से रिलेटेड वो होगा, किसके बारे में, सिलेबस के बारे में, डिटेल्ड सिलेबस आपको मैं बताऊंगा बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं। इस साल आपके लिए कोई सिलेबस अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, और जब रिलीज होगा उसमें कोई चेंजेस होंगे, कुछ अपडेट हुआ होगा, तो उससे भी रिलेटेड हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन, और उससे पहले वीडियो को फटाफट जो है शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए सब लोगों तक, और बता दीजिए कि FSSAI का जो रिक्रूटमेंट का एलिजिबिलिटी डिटेल्स है उसका सेशन स्टार्ट होने वाला है, ओके। हेलो एवरीवन, हेलो अर्नब, साई दुर्गा एंड नदीम, ओके, वेलकम टू द सेशन। तो यहां पर आपके टोटल जो वैकेंसीज हैं, जो टाइप ऑफ पोस्ट है ना, वो है 10, ठीक है, 10 पोस्ट है आपके पास, और 10 पोस्ट में यहां पर आपके जो वैकेंसीज हैं वो है 233। तरह तरह के लोगों के लिए यहां पर एलिजिबिलिटी है, तो फटाफट हम लोग लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किन किन लोगों के लिए क्या एलिजिबिलिटी है यहां पर। पहला स्टार्ट करते हैं असिस्टेंट से, ओके, असिस्टेंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए वैकेंसीज असिस्टेंट में बाकी के कंपैरिजन में ऑब्वियस सी बात है कम है, ठीक है, बट मैंने इसको शुरुआत में क्यों रखा है, ठीक है, यहां पर मैंने इसको नंबर वन पे इसलिए रखा है क्योंकि इसकी अगर आप एलिजिबिलिटी देखोगे ना, एवरीवन इज एलिजिबल, ठीक है, जितने भी ग्रेजुएट हैं, डजंट मैटर आप कौन से ग्रेजुएट हो, बट यू आर एलिजिबल, ओके, एनी बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, ओके। सो 33 वैकेंसीज है यहां पे असिस्टेंट के लिए, एंड एनी बैचलर्स डिग्री, कोई भी बैचलर्स डिग्री हो आप असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर सकते हो, ओके। सबसे ज्यादा जो आई नो कि सबसे ज्यादा जो डिमांड भी रहेगा वो असिस्टेंट के लिए रहेगा, क्योंकि यहां पे किसी भी तरह का स्पेसिफिकेशंस नहीं है। दूसरे की बात करते हैं, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर CFSO, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में जो वैकेंसीज है वो है 37। ये भी कोई और वैकेंसी है जिसमें ज्यादा कोई एक और पोस्ट है जिसमें ज्यादा वैकेंसीज है, लेकिन फिर भी मैंने इसको सेकंड पे रखा है, क्यों, क्योंकि जो आप देखोगे टेक्निकल सेफ्टी ऑफिसर जो है आपके पास, ओके, उसमें आपका जो मांगा गया है ना, वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगा गया है, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ना, यहां पर आपको डिग्री मांगा गया है, ठीक है, बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए, चाहे बैचलर्स हो चाहे एमएससी हो, कुछ भी हो, आप इसमें भर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स में चाहिए, जो आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर है जिसमें 37 वैकेंसीज है, ओके, या फिर 37 सीट्स हैं आपके, वहां पर ये कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक है आपका फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंस, वेटरनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिसिन, ओके। टोटल यहां पे 9 सीट्स हैं आप लोगों के, सॉरी 9 टाइप्स ऑफ डिग्रीज हैं जो लोग यहां पे फॉर्म भर सकते हैं, किस चीज के लिए, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, ओके। फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंस, वेटरनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिसिन, और इसी के साथ साथ अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है केमिस्ट्री में, तब भी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो, ओके। जो ये हो गया यहाँ पे दो वैकेंसीज के बारे में, या फिर दो पोस्ट के बारे में, एक में 33 वैकेंसीज है, 37 है। सबसे ज्यादा मुझे पता है इसमें लोग इंटरेस्टेड भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैचलर डिग्री चलेगा, एनी बैचलर्स डिग्री, कोई मतलब नहीं है कोई एग्जैक्ट है या एग्रीकल्चर चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, जैसे फूड टेक्नोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, एनी बैचलर्स डिग्री। दूसरे पे चलते हैं, हमारा जो तीसरा है यहां पे, तीसरा पोस्ट है, दैट इज टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर में जो वैकेंसीज हैं वो सबसे ज्यादा हैं, दैट इज 125,
ओके तो इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे लोग भी भर सकते हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग स्ट्रीम से भी लोग भर सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पे भर सकते हैं फॉर्म को। ओके, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, लेकिन ध्यान रखिएगा मास्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, बैचलर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल साइंस, नहीं एंड नहीं, क्यों एंड नहीं, क्योंकि इसके बाद भी है हॉर्टिकल्चरल साइंस, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। आपके लिए आपके पास ढेर सारे डिग्रीज हैं, आपको बस देखना है कि आप किस चीज के लिए एलिजिबल हो। अभी यहाँ पे जितने भी 17 डिग्री मैंने बताया, इसमें आपको मास्टर्स की जरूरत है, यू नीड मास्टर्स। ओके, नेक्स्ट अब आ जाता है पीजी डिप्लोमा ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन। ओके, जो पीजी डिप्लोमा अगर आप आपके पास है तब भी आप इसको भर सकते हो। ओके, किस किस में पीजी डिप्लोमा चाहिए, पहली बात ये देख लो, फूड सेफ्टी, फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग, क्वालिटी एश्योरेंस इन फूड सेक्टर, डाइटिशियन, डाइटिक एंड पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, डेयरी साइंस या बेकरी साइंस या फिर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और भी है। ओके, फूड सेफ्टी, फूड साइंस, ओके या फूड सेफ्टी, फूड साइंस, फूड प्रोसेसिंग, क्वालिटी एश्योरेंस इन फूड सेक्टर, डाइटिक एंड पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, डेयरी सेक्टर, बेकरी साइंस, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ गवर्नमेंट। अच्छा आई थिंक रिपीट हो गया, राइट, या रिपीट हो गया, चलो कोई नहीं। सो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन जो यहाँ पे कैच क्या है, ओके, यहाँ पर एक कंडीशन दे रखा है कि पीजी डिप्लोमा तो चलेगा, लेकिन इसके साथ आपका जो बैचलर्स डिग्री है ना वो कुछ सर्टन सब्जेक्ट से होने चाहिए, जैसे टोटल 23, ओके 23 सब्जेक्ट्स है यहां पे, ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है नीचे से, ओके वो मैं आपको बता दूंगा, मैनेज कर लेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंसेस, हॉर्टिकल्चरल साइंसेस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड एंड वेजिटेबल मेडिसिन, वेटरनरी साइंस, फिशरीज एंड एनिमल साइंसेस। तो यहां पर ना एक चीज एक्स्ट्रा है कि जो फिशरीज और एनिमल साइंस वाले हैं उनके लिए यहां पर अपॉर्चुनिटी है जो पहले हमने नहीं देखा था, ठीक है। ओके, आई हैव गिवन दिस एग्जाम इन 2019, ओके ग्रेट, सो आप भी अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो कि 2019 में आपने एग्जाम दिया था तो कैसा हुआ था आपका एग्जाम। ओके, एग्जाम पैटर्न पे भी लाएंगे, आपके पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, आपको रोज FSSAI पे यहाँ पे आपको एक से दो सेशंस ओके मिलता रहेगा। ओके, सो अड्डा 24/7 के साथ जुड़े रहिए, ओके, और एंड ध्यान रखिए कि कब कब नॉर्मल यूजुअली यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा एक सेशन 1 PM, एक सेशन 5 PM, ओके इन दो सेशंस पे, इन दो टाइम्स पे मैं कोशिश करूंगा यहां पे FSSAI के दो सेशंस आप लोगों के लिए लेके आने के लिए अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन रोज दूंगा। आज एलिजिबिलिटी है 1 PM पे और जो कि चल रहा है, और 5 PM पे सिलेबस है। ओके क्लियर, नेक्स्ट अब बात करते हैं यहां पे टेक्निकल ऑफिसर, वही चीज है, इसका जो तीसरा कैटेगरी है BE और BTech इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, सेम चीज है, फूड प्रोसेसिंग, फूड इंजीनियरिंग, ओके ये एक एक्स्ट्रा है यहां पे, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी या फिर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, अब बाकी या फिर आप बैचलर डिग्री से मेडिसिन, वेटरनरी साइंस, फिशरीज, एनिमल साइंसेस, तो जो एनिमल साइंसेस और फिशरीज में ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए यहाँ पे एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी है, आप भर सकते हो टेक्निकल ऑफिसर के लिए। ओके क्लियर गाइस, चलो सर बीकॉम एमकॉम वाले दे सकते हैं कि असिस्टेंट वाला, कोई भी दे सकता है, ये एक ऐसा पोस्ट है ना जहां पे कोई भी दे सकता है, एनीवन विथ एनी काइंड ऑफ बैचलर डिग्री, कुछ मेंशन नहीं है गाइस, कुछ मेंशन नहीं है, आपका कोई भी बैचलर्स डिग्री है ना आप जाओ और आराम से असिस्टेंट भर लो, ठीक है, बेहतरीन जॉब है, सेंट्रल लेवल की जॉब है। ओके, और बस भर लो और अपनी पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल ऑफिसर हो गया। अब आते हैं पर्सनल असिस्टेंट पे, जो कि हमारा फोर्थ टाइप ऑफ पोस्ट है यहां पे, इसमें जो वैकेंसी है वो है 19,
ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, किसी भी तरह का बैचलर डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि आपका जो शॉर्ट हैंड जो टाइपिंग वगैरह है, ठीक है, जो शॉर्ट हैंड है टाइपिंग है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट, टाइपिंग में 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में एंड 35 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपको पता होना चाहिए, प्लस आपको आइडिया होना चाहिए एमएस ऑफिस इंटरनेट के बारे में। ओके, फिफ्थ पे आते हैं जूनियर असिस्टेंट ग्रेड वन, ठीक है, यहां पर वैकेंसी 3 है, लेकिन जो यहां पे एलिजिबिलिटी है वो 12th स्टैंडर्ड का है, तो जितने भी 12th स्टैंडर्ड के कैंडिडेट्स हैं वो लोग यहां पे जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए भर सकते हैं फॉर्म। फिर आता है 6th असिस्टेंट मैनेजर आईटी, यहां पे पोस्ट है 4, बीटेक और एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, या तो कंप्यूटर साइंस या फिर कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स, ठीक है, रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस या एमसीए, ठीक है, तो ये लोग यहां पे भर सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए। ओके, नेक्स्ट दूसरा आता है आपका असिस्टेंट मैनेजर। ओके, अब असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट में कंफ्यूज नहीं होना है, असिस्टेंट इज डिफरेंट, असिस्टेंट मैनेजर इज डिफरेंट। सो असिस्टेंट मैनेजर में आपके जो वैकेंसीज हैं वो है 4। ओके, एंड जो आपके क्वालिफिकेशंस हैं या एलिजिबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं, ठीक है, मतलब डिस्टेंस विस्टेंस नहीं चलेगा, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन और पब्लिक रिलेशन या फिर सोशल वर्क और साइकोलॉजी और लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है, या फिर आपका बैचलर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसके साथ अगर आपका बैचलर्स है तो आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लाइब्रेरी में, ठीक है। तो ये यहां पे 3 कंडीशन है, और भी कंडीशन है इसके, ठीक है, नहीं असिस्टेंट मैनेजर के सिर्फ 3 ही कंडीशन हैं। फिर आता है आईटी असिस्टेंट, और यहां पर जो वैकेंसी है वो 3 है, बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट 1 ईयर पीजी डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर वालों के लिए यहां पे 2 पोस्ट मिल गया आपको, एक तो आईटी असिस्टेंट है, दूसरा आपका ये असिस्टेंट मैनेजर आईटी है, ठीक है। देन एट लास्ट नहीं है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, फूड एनालिस्ट में 4 है। ओके, इसको मैंने बाद में क्यों रखा हुआ था, जॉब तो इसका बेहतरीन है, मास्टर डिग्री चाहिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जितना ऊपर आपने देखा ना उससे रिलेटेड यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी मास्टर्स डिग्री चाहिए, डेयरी केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी ऑयल, डिग्री इन वेटरनरी साइंसेस। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक यहाँ पे क्या बोलते हैं चीज है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आपका एक तो दे दिया गया क्या चीज कि इंडियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होना चाहिए या फिर इंडियन गवर्नमेंट के अंडर जो है एस्टैब्लिश होना चाहिए, और अनदर थिंग इज एन एसोसिएट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट्स इंडिया बाय एग्जामिनेशन इन द सेक्शन ऑफ फूड एनालिस्ट कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट्स इंडिया, ठीक है। तो ये आपके पास एक और कंडीशन है, ओके, जो लोग यहाँ पे फूड एनालिस्ट का एग्जाम दे चुके हैं, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट इंडिया ने कंडक्ट किया है, ओके, या फिर कोई भी अदर इक्विवेलेंट, लेकिन यहाँ पर एक चीज है आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तभी जाके आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हो। एंड द लास्ट वन, आई थिंक ये लास्ट वन है ना, हाँ लास्ट ही है, ठीक है, हिंदी ट्रांसलेटर, जिसमें एक पोस्ट है लेकिन इसका बहुत सारा जो है एलिजिबिलिटी, लंबा चौड़ा एलिजिबिलिटी है, ठीक है, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, ओके, या फिर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, लेकिन जो आपका मीडियम है वो हिंदी या इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए और एक आपका इलेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, कंपलसरी है, इलेक्टिव है, सेम चीज है, ओके, तो इसको आप चेक कर सकते हो, ये आपका हिंदी जितने भी जॉब्स हैं थे यहाँ पे, आपका हिंदी ट्रांसलेटर हो गया, आपका फूड एनालिस्ट, आईटी असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर आईटी, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1, पर्सनल असिस्टेंट, टेक्निकल ऑफिसर, जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा है, ओके, देन यू हैव CFSO, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, जहां पे 37 वैकेंसीज है, और जो 33 वैकेंसीज है असिस्टेंट, इसकी एक खासियत यह है कि इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, anyone, ठीक है, कोई भी यहां पर जो है अप्लाई कर सकता है, anyone guys, ओके, बाकी आप अपना जो एलिजिबिलिटी है वो आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन का PDF भी मैंने अटैच किया था, ओके, आप वहां पे चेक कर सकते हो, प्लस आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जहां पर आपको भरना है फॉर काउंसलिंग, एंड आपको किसी भी तरह का डाउट हो उसमें आप बता सकते हो, अड्डा 24/7 विल हेल्प यू रिगार्डिंग दैट, ओके।
सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में सिर्फ बैचलर्स डिग्री चाहिए या मास्टर्स भी चाहिए? नहीं, सेंट्रल फूड ऑफिसर में आपको आपकी मर्जी है, लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी बैचलर्स की होनी चाहिए, ठीक है? मिनिमम एलिजिबिलिटी बैचलर्स की होनी चाहिए इन सब्जेक्ट में। अगर आपने केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट, तो आपको मास्टर्स चाहिए। ओके, क्लियर गाइस? एंड सो ये था, ओके, सो ये था यहां पे सारे के सारे क्या चीज, एलिजिबिलिटी डिटेल्स। ओके, अब अड्डा 24/7 के पास आप लोगों के लिए क्या है? ओके, सो अड्डा 24/7 के पास आप लोगों के लिए क्या है, लेट्स चेक दैट। आपको जाना है adda247.com के स्टोर पे। ओके, पहले तो आप गूगल फॉर्म भरो, आप देखो कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, ठीक है? अब मेरे हिसाब से तो आपको इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज भी काफी है। ओके, और इंटरेस्टेड नहीं होने की कोई रीजन भी नहीं है। ओके, सो आप जा सकते हो adda247.com के वेबसाइट पे, एंड नीचे स्क्रॉल करके यू कैन क्लिक ऑन FSSAI। पूरा जो यहाँ पे किट है, पूरे बैचेस है, वो सब कुछ यहाँ पे लाइव हो गया है आप लोगों के लिए। FSSAI का 2021 जूनियर असिस्टेंट ग्रेड वन, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड वन है यहाँ पे। ओके, इसको आप देख सकते हो। एंड देन वी हैव FSSAI 2021, ये है कंप्लीट बैच किस चीज के लिए, असिस्टेंट के लिए, जिसमें वैकेंसीज कितने हैं, 33। ओके, नेक्स्ट यू हैव पर्सनल असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज हैं यहाँ पे। ओके, पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैच है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी बैच है। ओके, एंड जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है, दैट इज टेक्निकल ऑफिसर के लिए। ओके, टेक्निकल ऑफिसर के लिए भी आपके पास वैकेंसीज है। अब चाहे आप किसी भी बैच को चूज कर सकते हो, ओके, चाहे आप किसी भी बैच को चूज कर सकते हो, हाँ, किसी और में भी एक्सपीरियंस है, ओके, आई थिंक आई मिस दैट। ओके, सो आप बता सकते हो, यहां पर आप अपना ईमेल आईडी डाल सकते हो किसी भी बैच के लिए। ओके, एंड आप कूपन कोड यूज कर सकते हो Y291, ठीक है, सारे के सारे बैच में आप ही कूपन कोड यूज कर सकते हो फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। ये आपका टेक्निकल ऑफिसर का बैच है, दैट विल बी 4599। आई थिंक एक आपका जूनियर असिस्टेंट ग्रेड वन को छोड़ के, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड वन, असिस्टेंट और पर्सनल, इन तीनों को छोड़ के अगर आप ये दोनों देखोगे, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड टेक्निकल ऑफिसर, तो इसमें आपका 45 समथिंग था, ठीक है। देन यहां पर आपका जो 13999 का है, आप सेम चीज कर सकते हो, यहां पे अपना ईमेल आईडी आपको डालना है, और जो कूपन कोड है दैट इज Y291। ओके, Y291 पे जाते हो तो दिस कोर्स विल कॉस्ट यू 3219, ठीक है। तो यहां पे सारे के सारे कोर्स है, एंड यू हैव द टेस्ट सीरीज ऑल्सो, आपके पास टेस्ट सीरीज भी है। सब में जो है आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा किट है, पूरा का पूरा पैकेज है। ओके, जिसको जो चूज करना है वो यहाँ पे चूज कर सकता है, यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी। ओके, क्लासेस जूनियर असिस्टेंट ग्रेड वन असिस्टेंट November 8 है, एंड पर्सनल असिस्टेंट भी November 8 है, लेकिन ये जो CFSO और टेक्निकल ऑफिसर, इसमें थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा है, तो इसके जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे वो October 28, देख लो, 28th of October 2021 से ये स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है गाइस। एंड एक और चीज दिखा देता हूं यहां पे आपको, जैसे आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, यहां पे आपके पास जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश, जो ये रीजनिंग है बेसिकली, लिटरेसी, देन यू हैव प्रोफेशनल नॉलेज, जैसे FSSAI हो गया, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, फूड केमिस्ट्री एंड फूड माइक्रोबायोलॉजी, एंड एट लास्ट यू हैव फूड एनालिसिस एंड टेस्टिंग। देखिए, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, एक जगह आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो है पर्सनल असिस्टेंट में। पर्सनल असिस्टेंट में आपको FSSAI का कुछ खास पढ़ना नहीं पड़ना है यहाँ पे, बाकी सब में आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी आपके पास यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, आप लोग टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। ओके, एंड हर चीज में, ओके, जो भी आपको यहाँ से परचेज करना है, यू कैन यूज द कोड Y291, ठीक है, Y291 का कोड आप यूज कर सकते हो। ओके, सो ये था आज के सेशन के बारे में। ओके, ये था आज के सेशन के बारे में। काइंडली इसका पीडीएफ भी मैं अटैच करवा दूंगा, तो आप लोग एक एक करके देख सकते हो, प्लस आपके पास नोटिफिकेशन है गाइस। ओके, यू हैव द नोटिफिकेशन, तो आप लोग नोटिफिकेशन भी ओपन करके देख सकते हो। इसका जो मेन नोटिफिकेशन है, जो आपको FSSAI के वेबसाइट पे भी मिलेगा, प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। ओके, सो ये था आज का 1 PM का सेशन, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया एलिजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। शाम को 5 बजे डिस्कस करेंगे हम लोग सिलेबस के बारे में। ओके, जुड़ना ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 PM। ओके,
1 PM हो गया अभी एलिजिबिलिटी का क्लास सेशन हो गया एलिजिबिलिटी का, 5 PM सिलेबस, डिटेल सिलेबस बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर, ठीक है, सिलेबस का सेशन करेंगे हम लोग। तो आज का ये सेशन था, आई होप सो आप लोगों को ऑब्वियसली जहां जहां पे बताऊंगा मैं, मेंस होगा क्या जो लोग पूछ रहे हो, मैं आपको क्वेश्चन पैटर्न भी बताऊंगा, मैं आपको एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा, मैं आपको नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बताऊंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, और खासकर ये दो टाइम पे 1 PM एंड 5 PM, ओके, इन दोनों टाइम पे हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बहुत सारे सेशंस FSSAI के लाने वाला हूं। इसी के साथ साथ आप एग्रीकल्चर अड्डा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन एग्रीकल्चर, जितने भी एग्रीकल्चर FSSAI, ठीक है, इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन से वो आपको यहाँ पर भी मिलते रहेंगे, और ऊपर से यहाँ पे बहुत सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आने वाला है रिगार्डिंग FCI, रिगार्डिंग NABARD, ठीक है, जहाँ पे आप पूरा एक लंबा तैयारी कर सकते हो। ये नहीं कि नोटिफिकेशन आया और महीने भर में सब जो है पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, एक कंप्लीट लाइक फाउंडेशन बैच या फिर फाउंडेशन सेशन जैसा जो है हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, ओके। सो ये था आज का सेशन, 1 PM 5 PM ध्यान रखिएगा ऑन अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हम लोग रोज सेशन करेंगे रिगार्डिंग FSSAI, ओके। सो ये था सेशन, आई होप सो आप लोगों को सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ओके, मिलेंगे फिर से 5 बजे, सिलेबस डिस्कस करेंगे आज, ओके, रिलेटेड टू डिफरेंट एग्जाम्स, क्या क्या आएगा आपका, क्या क्या आने वाला है, ओके, और देन फिर से कल मिलेंगे नए सेशन के साथ, ओके, एंड गाइस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ।